हेलो एवरीवन, आई एम चेतना वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIIT टेक्निकल एंड मेडिकल कैंपस। टुडे आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। सो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन इज अ डिस्पर्स सिस्टम इन विच इंटरनल फेज इज डिस्पर्स यूनिफॉर्मली एज फाइनली डिवाइडेड इन सोल्यूबल पार्टिकल थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। सस्पेंशन के अंदर हमारे दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज जो होते हैं वो हमारे फाइनली डिवाइडेड इन सोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे लिक्विड फेज के अंदर डिस्पर्स होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, व्हेन द टू सब्सटेंसेस टोटली मिक्स इट इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। जब कोई भी दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं या मिसेबल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो एक सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। शुगर ईजिली क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। द पार्टिकल इन अ सस्पेंशन आर इनसोल्युबल। जब पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्युबल होते हैं तो उस केस को हम बोलते हैं सस्पेंशन। समटाइम व्हेन वी मिक्स सब्सटेंसेस दे स्टे इन क्लस्टर्स, वी देयरफॉर से इट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर। जब हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर क्लस्टर्स बना लेता है, फ्लोक्यूल्स बना लेता है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो इनसोल्युबल है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम चौक और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो चौक है वाटर के अंदर क्लस्टर्स बना लेता है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। इवेंचुअली द पार्टिकल्स सिंक टू द बॉटम टू फॉर्म सेडिमेंटेशन। तो कई बार क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर वो सिंक हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन बेस्ड ऑन जनरल क्लास, सस्पेंशन को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओरल सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन एंड पेरेंटल सस्पेंशन। बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सस्पेंशन है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायल्यूट सस्पेंशन एंड कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। डायल्यूट सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स का अमाउंट होगा वो 2 to 10% होगा, और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स का अमाउंट 50% होगा। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, हम सस्पेंशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को हम इजिली रीडिस्पर्स कर सकते हैं, लेकिन डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं उन्हें हम रीडिस्पर्स नहीं कर सकते। नाउ बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सस्पेंशन 3 types के होते हैं, कोलोइडल सस्पेंशन, पोरस सस्पेंशन एंड नैनो सस्पेंशन। कोलोइडल सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 micron होता है, पोरस सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर देन 1 micron होता है, और जो नैनो सस्पेंशन होता है उनमें जो हमारे पार्टिकल्स का साइज है वो 10 nanometer होता है। थैंक यू।